हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं वेज अंगारा। इसके लिए पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं हाफ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 प्याज। प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। इसको मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ। अगर आपके पास डीप फ्राइड अनियंस है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 स्टिक दालचीनी, हाफ बादियान का फूल लिया है और कुछ मैंने जावित्री ली है, हाफ जावित्री है ये। इसको मैं इसके साथ फ्राई कर लूँगी। अनियंस हमारे फ्राई हो गए हैं, ये बहुत अच्छे गोल्डन हो गए, आप देख सकते हो। गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने एक मिक्सर जार में 2 टमाटोज को पीसेस में कट करके लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये अनियंस। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप दही, 2 टेबलस्पून मैं बादाम की पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो काजू की पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर 8 से 10 काजू को आप सोख करके भी ऐड कर सकते हो। मैंने 8 से 10 बादाम को मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम वेजिटेबल्स प्रिपेयर करेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने 1/2 कप पीस लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का कॉलीफ्लावर लिया है, मैंने इसको इस तरह पीसेस में कट कर लिया है, 1 बीटरूट को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये छोटे साइज़ का बीटरूट था, 2 गाजर को मैंने इस तरह लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, मैंने 1/2 कप बीन्स लिए हैं, इसको भी मैंने बीच में से स्लिट करके इस तरह कट कर लिया है, 1 कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है और 1 अनियन को भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल को हीट करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया था। इसमें से आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल निकाल सकते हो। इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, सबसे पहले गाजर ऐड किया है, कैरेट्स, बीन्स और कॉलीफ्लावर। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पर ही मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसको अब मैं कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अब मैंने हाई कर दिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अभी सॉल्ट नहीं ऐड किया है मैंने। इसमें मैं ऐड करूँगी ये बीटरूट जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप पिंच ऑफ तंदूरी रेड कलर ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पेस्ट जो हमने प्रिपेयर किया था। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। अब इसको चेक कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से हो गया है।
इसमें बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ कप ग्रीन पीस। मिक्सर जार को क्लीन करके मैंने इसमें हाफ कप जितना पानी ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थिक है तो मैं इसमें और हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि बटर जले ना। इसमें मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज चॉप्ड ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गई है। अब एक कैप्सिकम जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था वो ऐड करेंगे। इसी के साथ अनियंस को भी मैंने क्यूब्स में कट किया था वो ऐड करेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी। कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। अब देख सकते हैं वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब ये मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। वन फोर्थ कप फ्रेश क्रीम में मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क मिक्स किया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये घर की मलाई है, इसको मिक्स कर लेंगे। बीट की वजह से इसमें बहुत अच्छा कलर आया है, इसको हम एक बॉईल आने देंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हॉट एंड स्वीट टमेटो सॉस। इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है। अगर आपको ये नहीं ऐड करना है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हो 1 टीस्पून जितना। इसको मिक्स कर लेंगे। हंड्रेड ग्राम्स पनीर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये होममेड पनीर है, आप चाहो तो इसको फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो। मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में इसको कट किया है, ये मैं इसमें इसी तरह ऐड करूँगी। आप चाहो तो ग्रेवी में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने पनीर के 2 पीसेस को मैंने इस तरह क्रम्बल कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। ग्रेवी हमारी कुक हो रही है। लास्ट में मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। इसको मिक्स करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो या मिल्क ऐड कर सकते हो। मुझे इसी तरह ड्राई चाहिए तो मैं इसी तरह रखूंगी। एक कोयले को मैंने गरम करने के लिए रखा था, इस तरह मैं ये स्पून इसमें रख दूँगी, एक कटोरी इसके ऊपर रख दूँगी और जलता हुआ कोयला मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद है, 5 मिनट मैं इसी में रहने दूंगी और इसको बाहर निकाल दूंगी।
5 मिनट्स हो गए हैं, इस कटोरी को मैं बाहर निकाल दूंगी। वेज अंगारा हमारा बनकर रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी, आप चाहो तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। इसको अब मैं सर्व करूंगी, ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके मैं इसको सर्व करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।